सो नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नया ब्रांड न्यू एपिसोड पे, जहाँ पे बात करने वाले हम लोग आज चबी चिक्स फेस फैट कैसे कम करें। तो चाहे डबल चिन हो, चाहे फेस फैट हो, चाहे आपके चबी चिक्स हो, इन सभी का कारण केवल एक है, वो है आपकी डाइट। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई वर्कआउट बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल वैसा नहीं है। मैं साइंटिफिक प्रूवन चीजों आपके सामने रखने वाला हूँ। अरे बेटा, तुम क्या बोल रहे हो कि तुम एक्सरसाइज नहीं बताओगे? बाकी लोगों का देखो, वो लोग वर्कआउट बताते हैं, वो सब करो, उनके चैनल पे 2-2 मिलियन व्यूज हैं। ऐसे करोगे तो कोई तुम्हारा वीडियोस नहीं देखेगा। मत कर, अब वीडियो के लास्ट में आना। अच्छा। अगर बीच में आओगे तो मैं बाहर फिर यहाँ से निकाल दूंगा, ऐसा गलती मत करना दोबारा। तो पहले कुछ साइंटिफिकली चीजों के बारे में समझ लो। इन चचा के बारे में अगर सोच रहे हो आप कि ये बता रहे हैं वर्कआउट कर लो, ऐसी कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन वर्कआउट वीडियो नहीं है, स्पेशली आपके डबल चिन और फेस फैट के लिए। जो भी चीजें बता रहा है वो साइंटिफिकली गलत है। उन चीजों को फॉलो करोगे तो चचा की तरह हो जाओगे, रिजल्ट से आप काफी हद तक दूर रहोगे। तो अब बात करते हैं कैसे फेशियल फैट, डबल चिन फैट या फिर बॉडी फैट कैसे आप कम कर सकते हो इस 30 से 40 दिनों के भीतर। तो सबसे पहला चीज है, वो है सोडियम इनटेक। क्या बोला? सोडियम से बेटा, सोडियम से फेस फैट नहीं जाता है ना, कि आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट जाता है। बिल्कुल तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा मानोगे नहीं, नहीं होता है। दोबारा आए हो आप, गलत बोल रहे हो। ऐसा साइंस बताओ, ये वाली उससे रिजल्ट्स मिलेगा, ये गलत बता रहे हो। सोडियम से अच्छा, चले जाओ, ठीक है चले जाओ। देखो, अब सोडियम के बारे में बात करने से पहले समझते हैं ना, वाटर रिटेंशन बेसिकली क्यों होता है, क्या है वाटर रिटेंशन और क्यों आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर फेशियल फैट, डबल चिन फैट। आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब वाटर रिटेंशन के बेसिक चार रीजन है। पहला है लैक ऑफ वाटर, यानी कि जो आपकी डाइट है वहाँ पे आप एनफ अमाउंट में वाटर नहीं पीते, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर रही है क्योंकि आपके बॉडी में एनफ अमाउंट में वाटर नहीं है। तीसरा है लैक ऑफ प्रोटीन, अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी वाटर होल्ड करना शुरू कर देती है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है लेस अमाउंट ऑफ वर्कआउट इन योर डेली रूटीन, यानी कि जो भी आपके दिन की रूटीन है वहाँ पे वर्कआउट बिल्कुल भी आप नहीं करते हो। इनटेक ज़्यादा है बट आप कैलोरी बर्न बिल्कुल भी नहीं करते, उस कंडीशन में भी आपकी बॉडी कार्ब्स को स्टोर करेगी, वाटर को स्टोर करेगी और वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है, जो लोग किसी दबे पे हैं, किसी दवा पे हैं, यानी कि कोई मेडिकेशन पे चल रहे हैं, शुगर, बीपी, थायराइड या फिर हाइपरटेंशन की, उस कंडीशन में दवा के साइड इफेक्ट होते हैं कुछ, जहाँ पे आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है। तो मेक श्योर अपने डॉक्टर से बीच बीच में कंसर्न करते रहो कि मेरे दवा को थोड़ा बहुत आगे पीछे कम करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कम करने की डोजेस वो रिकमेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर आप दवा के डोजेस को थोड़ा सा कम करने की हैबिट डालो। अब आप बोलोगे सर, आप इतनी सारी चीज़ें बता दिया, कैसे कम होगा, वो कब बताओगे? तो अगर अभी तक ना आपने पूरा वीडियो देखा है स्टार्टिंग से, तो आप कहीं ना कहीं एक रेफरेंस मिल गया होगा। अगर आपकी बॉडी वाटर होल्ड कम करती है, उस कंडीशन में आपके बॉडी से फैट परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, फेशियल फैट नहीं बढ़ेगा, डबल चिन फेस फैट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब कैसे कम करना है वो समझ लो, बहुत छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। जो भी आपके पास आपका मील आए थाली में, सपोज को दाल चावल रोटी सब्जी सैलड रखा हुआ, किसी भी खाने में अगर आपको लगता है सॉल्ट कम है, नमक कम है, मंगा के ऊपर से डाल लेता हूँ, तो बिल्कुल भी ये काम करना बंद कर दो। चाहे वो सैलड हो, चाहे वो जूस हो, बहुत लोगों मैंने देखा है जूस पीते हैं उसमें भी आधा चम्मच नमक डाल के तब पीते हैं, वो जूस का साइड इफेक्ट भी आपको मिलेगा, साथ साथ जो एक्सेस नमक खा रहे हो दिन भर का 3 ग्राम उस आपने जूस में डाल दिया, ये बहुत बड़ी गलती आप करते हो, वो भी एक्स्ट्रा नमक आपके बॉडी में जा रहा है। इसी वजह से आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है, डबल चिन और फेशियल फैट बढ़ने लगता है। तो जो भी खाना है ऊपर से नमक डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा खट्टा खाने का मन करता है, आप थोड़ा सा नींबू यानी कि लेमन स्क्वीज कर दो, आपका काम खत्म, सैलड के ऊपर डाल लो या फिर एप्पल साइडर विनेगर आप यूज़ कर लो, ये सारे अल्टरनेटिव हैं सॉल्ट के। बट सॉल्ट आपको रॉ बिल्कुल भी नहीं खाना है किसी भी मील में। टिप नंबर 1 ये था, 30 दिन के लिए छोड़ के देखो, 110% आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आप जरूर आजमाओ। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, अब मैं भी 30 दिनों के लिए ऊपर से नमक खाना बंद कर देता हूँ, फिर बताऊँगा तुम्हें। अगर नहीं कम हुआ मेरा फेस फैट तो मेरा मैं वीडियो डिसलाइक करके चला जाऊँगा। हाँ, जा रहा हूँ। चचा को भी बात अब समझ में आई। अब जो दूसरा चीज है जो आपको ध्यान रखना है वो है शुगर। Give me sugar. More. More.
तब आप बोलोगे सर सॉल्ट भी छोड़ दो शुगर भी छोड़ दो, हाँ अगर रिजल्ट्स लेने हैं इन सबको अपने से दूर रखना पड़ेगा तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और शुगर के स्टेटस बताती है जो भी नॉर्मल शुगर इनटेक करते हैं उनकी बॉडी में वाटर होल्ड होता है, उनकी बॉडी एक्सेस वेट भी बढ़ाता है। ये मैं नहीं, ये स्टडी है, प्रूवन है, जो साइंटिफिकली है वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अगर आप 30 दिनों के लिए शुगर छोड़ देते हो तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंजेस मिलेंगे अपने फिजिक में, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, आपकी स्किन क्वालिटी में और आपके मेंटल, आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी अगर आप 30 दिनों के लिए रिफाइंड शुगर को यानी कि ना कर देते हो। तो आइए कुछ बेनिफिट्स बताते हैं कैसे अगर आप 30 दिनों के लिए शुगर छोड़ देते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहली बात तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको इनिशियल के कुछ दिनों तक तो आप बहुत आपको क्रेवी होंगी, मन करेगा कुछ भी मिले मीठा मैं खाते चला जाऊं और आपका वेट बढ़ने लगेगा। बट ये इनिशियली के कुछ दिनों तक ही होगा। अगर आप 3-4 दिन तक कैसे भी अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर लेते हो तो इस प्रॉब्लम से आप बिल्कुल दूर हो जाओगे। तो ये स्टडी बताती है कि इनिशियली में 2-4 दिन तक काफी हद तक दिक्कत होता है, उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है शुगर बिना खाने। कुछ स्टडीज बताती हैं जो लोग शुगर छोड़ देते हैं 30 दिनों के लिए उनकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो काफी हद तक इन्हांस होती है, यानी कि कोई थिंकिंग पावर इन्हांस होती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है अगर आप 30 दिनों के लिए शुगर छोड़ देते हो। तो जो कितना बेनिफिट्स है ये छोटी सी ट्रिक बस अपनानी है आपको। शुगर और सॉल्ट को छोड़ दोगे मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होगी, लर्निंग भी इंप्रूव होगी, फेशियल फैट और डबल चिन फैट भी बिल्कुल कम हो जाएगा। पर छोटी छोटी चीजों को मोल्ड करना है और आप बहुत आसानी से अपने गोल की तरफ आप पहुंच जाओगे। दूसरा आर्टिकल में मेंशन है जो लोग बहुत ओबीज है, बहुत ओवरवेट है, जो लोग शुगर को छोड़ देते हैं इनिशियली के 3-4-10 दिनों में उनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो फेशियल फैट हो चाहे वो उनका ओवरवेट यानी उनका वजन ही क्यों ना हो। साथ ही साथ ये भी देखा गया है, ये भी प्रूव हुआ है, उनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी बढ़ता है, यानी कि जो वर्कआउट की कैपेसिटी है वो भी इन्हांस होती है अगर वो शुगर को छोड़ देते हैं। तो आप ये मत पूछना कि क्या शुगर को रिप्लेस करके शुगर फ्री ले सकती हूँ, जैगरी पाउडर ले सकती हूँ, स्टीविया ले सकती हूँ या फिर मैं कोई और चीज़ डेड शुगर ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं, किसी फॉर्म का आपको शुगर इनटेक नहीं करना है, केवल जो फ्रूट्स में अवेलेबल है आप बस बोलो। ये कहने का मेरा मोटिव है अगर आप सच में फेशियल फैट को कम करना चाहते हो उस कंडीशन में। तो जो दूसरा बेनिफिट्स था वो है अगर आप ओबीज हो, बहुत ओवरवेट हो तो अगर शुगर छोड़ते हो तो आपके अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ने के चांसेस काफी हद तक इन्हांस होते हैं, ये मैं नहीं स्टडीज बता रही हैं। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि जो लोग भी शुगर छोड़ते हैं उनकी जो एजिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी स्लो होती है, थोड़ा यंगर साइड पे वो दिखते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट पीपल, यानी कि आप थोड़े यंग दिखोगे अगर आप शुगर को इनटेक बिल्कुल भी नहीं करोगे। ज़्यादा शुगर इनटेक करने वालों का चेहरा धीरे धीरे डल होते होते उनकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बाई एज नहीं बाई फिजिक, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपके लिए शुगर को ना करना पड़ेगा, पिंपल एक्ने आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी स्टडीज बताती हैं। जो लोग लेस अमाउंट में शुगर इंटेक करते हैं उनके बॉडी से फैट परसेंटेज डाउन होता है, उनका फेशियल फैट कम होता है और उनकी स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स अगर आप शुगर को छोड़ देते हो। तो क्या मिला इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो आपको ध्यान रखना है, नहीं तो अभी चचा वीडियो के लास्ट में आने वाले हैं देख कर तब जाना। तो कंक्लूड करना है आपको 30 दिनों के लिए ऊपर से नमक नहीं खाना है और किसी भी तरीके का आपको शुगर इंटेक नहीं करना है। अगर 30 दिनों के अंदर रिजल्ट्स न मिले तो आगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना सर मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले। अगर आप दिल से मन से तन से दिमाग से अगर पूरी शिद्दत से इसको ट्राई करोगे 110% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने 20 दिनों के लिए केवल शुगर छोड़ा था, मेरी ये फोटो देख लो आपको कितना ड्रास्टिक अभी से और इसमें कितना फर्क है। ये है बेनिफिट्स, बाकी ये शुरू करो और चचा को देख लो तब जाना। ये ट्राई एंड टेस्टेड है, 110% आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं, आप इंजॉय करो। तो बेटे ने तो बहुत अच्छी बात कही है, मैं भी ट्राई करूंगा और आप लोग भी ट्राई करो और रिजल्ट्स मिलेगा तो मुझे बताना, मेरी कोई आईडी कोई फेसबुक पे नहीं है बट रिजल्ट्स तो आपको मिलेंगे 110%। जैसा इसने बताया सब स्टडीज प्रूफ थी, कोई भी वो बनाने वाली चीज़ें इसने नहीं की, वो क्या बनाने वाला आप समझ रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फ्री में डाइट चार्ट चाहिए तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, लेकिन सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। नमस्ते चचा जी को, चचा जी कैसे लगे ये भी बता के कमेंट में बताना ज़रूर।